आगे क्या कह रहा है भाई, व्हाई डज अ बिजनेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस किस चीज में हेल्प करता है भाई? कहता है पहले में टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस, झूठ कह रहा है। ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं होता, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। आपने लेजर सही बनाया या नहीं बना, ये बात सही है। ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी चेक करता है किसकी? लेजर की। कैश और चेक बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैश और बैंक नहीं होता, ये चीजें बैंक रिकंसिलेशन में होती है। शो द फाइनेंशियल पोजिशन, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल पोजिशन नहीं बताता, फाइनेंशियल पोजिशन तो बैलेंस शीट होती है, सही है ना। ट्रायल बैलेंस सारे बैलेंसेस बताता है, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट के हो चाहे वो बैलेंस शीट। तो 11 का आंसर बन गया बी। और उसके बाद बात करते हैं जी 12 पे। 12 में क्या कहता है जी? 12 में कह रहा है वेन रेंट प्रेमिसेस द मंथली रेंट इज 400, सही है। आगे को डेटा दिया हुआ, रिक्वायरमेंट क्या है, विच एंट्री शुड वेन मेक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? आपको बताना है भाई एंड ऑफ द ईयर क्या एंट्री बनाए, सही है, हमें बताना है भाई एंट्री क्या बनेगी। अच्छा अगर आप देखें मंथली रेंट है 400, हमें बताना है ईयर एंड पे क्या एंट्री बनेगी। यार देखो इसके लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कैसे, अगर मंथली रेंट 400 है तो बताओ एनुअल रेंट कितना होगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा अब ये नहीं बोल रहा कि जगह इसी साल रेंट पे ली है या जगह लिए हुए साल से कम हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे पूरा साल हो गया जगह लिए हुए, इसका मतलब पूरे साल का रेंट बनता कितना है, 4800। तो क्या एंट्री बनाएंगे भाई, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट, सही जी। रेंट अकाउंट को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हमें जो है वो अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमने सॉल्व कर